राग बिहाग। राग बिहाग की उत्पत्ति बिलावल ठाट से हुई है। इस राग के आरोह में ऋषभ और धैवत यानी रे और ध ये दोनों स्वर वर्जित हैं, अर्थात इन दोनों स्वरों के प्रयोग इसके आरोह में नहीं होते। इस प्रकार इस राग के आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इस राग में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है यानी शुद्ध म और तीव्र म। इस राग का वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद यानी नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। राग बिहाग के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। और अब सुनिए अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। नी सा गा मा पा मा पा गा मा गा रे सा। अब प्रस्तुत है राग बिहाग की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। प प ग म ग स नी नि प नी स ग प प ग म ग स नी नि प नी नि स ग ग म प नि स नि म प प ग म ग रे नि स ग म प नि स नि म प प ग म ग रे नि स प प ग म ग स नि नि प नि नि स ग प प ग म ग स नि नि प नि नि स ग। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। प प प नि 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 सा 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 रे सा प प प नि 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 सा 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 रे सा प नि सा रे सा नि म प प म ग म ग रे नि सा प नि सा रे सा नि म प प म ग म ग रे नि सा प प ग म ग सा नि नि प नि
पा गा मा गा सा नी नी पा नी नी सा गा। अभी आपने सुनी राग बिहाग की स्वर मालिका। अब सुनिए इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना, बोल है तम की चादर ओढ़ के आई। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। तम की चादर अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। नींदिया अभी आपने सुनी राग बिहाग की स्वर मालिका और साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित एक रचना।